नो बी टेक सी टी अडॉट टू डू पांच रास्ते आ जाओ यार बाय द वे मेरा नाम यश है खुद डी टी यू का ग्रेजुएट हूँ पिछले चार साल से एडमिशन की इंडस्ट्री के अंदर हूँ और अपने अंडर स हजार से ज्यादा बीटेक के एडमिशन यार हमने पिछले चार साल में करवाए हैं इसलिए ओपिनियन पे ट्रस्ट कर सकते हो आई एम नॉट हेव टू सेल यू एनीथिंग आई एम हेव टू टेल यू द रियलिटी और कौन कौन से ऑप्शन आप आज की डेट में बेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो तो एक ऑप्शन यार आपका निकल आ है। के आ रहा होगा स्पॉट राउंड का भैया सी साहब के राउंड में कुछ मिलेगा नहीं सी साहब के अंदर चांस नहीं है पर आईपी यूनिवर्सिटी का जो कि डेली की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसके अंदर बहुत स्ट्रॉग चांसेस चाहे बेटा तुम्हारी रैंक तीन लाख है चार लाख है पांच लाख है आईपी यू के स्पॉट राउंड अभी तक नहीं खुले चार साल की बीटेक की डिग्री अंडर टेन लाख ही आपका करवाते

जो हमारा आईपी का स्पॉट राउंड है इसकी आप मान के चलो टाइमलाइन रहेगी 10 अगस्त से शुरू होएगा तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो खुल जाएंगे 10 अगस्त से पहले वो आपको देखते रहना पड़ेगा जीजीएसआई की वेबसाइट पर यूपीटीयू की बात करें तो यूपी टीयू के स्पॉट राउंड एक सेप्टेंबर से ऑलरेडी से अनाउंस हो चुका है राउंड सिक्स से सिर्फ सरकारी कॉलेज की काउंसिलिंग में आपको इसमें बैठना होता है चार लाख पांच लाख छह लाख रैंक तक भी के एन आई टी सुल्तानपुर बी आई टी झांसी की सीटें मिली है तीन साढ़े तीन लाख रैंक तक आई आई टी लखनऊ की सीटें मिली अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं थी जनरल बच्चे थे तो बहुत फायदा होगा इस राउंड

थ्री कॉलेज में पढ़ने लग रहे हो यूपी से हो बिहार से हो मध्य प्रदेश से हो छोटे छोटे हो तो वहां से चौदह महीने की कोर्स ड्यूरेशन रहती है ऑनलाइन है, है पार्ट नॉर्मल डिग्री के साथ करोगे इसको दो हफ्ते का ट्राइमेस्टर ब्रेक मिलेगा मंडे से फ्राइडे रोज एट पी से नाइन पीएम आपकी क्लासेज होंगी और सैटरडे बेटा इसमें आपको कमिट करना पड़ेगा अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो फिर यह चीज

नहीं है कि ये कोई कोर्स है और इसका फायदा नहीं मिलेगा इसके क्रेडिट्स आप अपने कोर्स के अंदर यूटिलाइज करके अपनी डिग्री के अंदर इसमें हेल्प ले सकते हो जल्दी कंप्लीट करने में वन इस टू वन मेंटरशिप आपको मिल रही होगी टॉप एग्जीक्यूटिव से जो गूगल एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट में लोग काम करते हैं पायलट्स को पायलट सिखाते हैं डॉक्टर्स को डॉक्टर्स सिखाते हैं यार हमारे कॉलेज में बट इंजीनियर्स को प्रोफेसर सिखा रहे होते हैं तो उसके साथ इन्होंने मेंटर्स वाला एंगल लगाया कि अगर आपको गूगल एमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है तो वहां पर जो लोग खुद काम करने लग रहे हैं वही आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पे इंकॉपरेट किया तो यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए ही हो सकती है अगर आप एक टीयर थ्री कॉलेज में हो टीयर टू कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल एच कानपुर की हम बात करें यूपी का, का काफ़ी फेमस कॉलेज है इसके फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे ने बी इन फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे ने हाइएस्ट पैकेज कॉलेज का फोड़ा था तो वो वाली चीज़ आपको करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और इन सारी चीज़ों पर मेरे को लगता है ध्यान देनी पड़ेगी अपने कॉलेज के साथ साथ और इसलिए इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेथड्स बताए हैं सबका दे दिया और इसका भी दे दिया चेकआउट कर सकते हो अगले मेथड पे लेके चलता हूं वो होने वाले हमारे वेल नोन प्राइवेट कॉलेज जहां पे आज भी एडमिशन खुले हुए बीटेक की सीट लेनी यार मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अगर नहीं ली अगले दस पंद्रह दिन में तो फिर ये वाली सीट से भी लैप्स हो जाएंगी और फिर आपको ड्रॉप की साइड ही जाना पड़ेगा ड्रॉप की साइड जाने का मतलब तीन साढ़े तीन लाख रुपए का मिनिमम खर्चा ऑनलाइन पढ़ते हो बुक्स वगैरह खरीदते हो तो भी चालीस पचास हजार लगने वाला है और एक साल वेस्ट होने वाला है जो मेरे को इतनी सही अप्रोच नहीं लगती उतना मेहनत अगर कॉलेज में जाके कर लोगे तो बेटर रिटर्न मिलेगी कौन से कॉलेजेस अभी भी एडमिशन ले रहे हैं तो यार शारदा की बात करें एलपी की बात करें LPO की बात करें मैं मानता टीयर थ्रीडर किया जा सकता है न्यू एज की बात करें तो पोलारिस केलर न्यूटन तीनों के अंदर आप चेक कर सकते हो ये तीन नए कॉलेजेस उठते हुए आए हैं और उसके अलावा बैंगलोर सर्किट में आप चेक कर सकते हो अगर किसी के थ्रू आपको वेल नोन प्राइवेट कॉलेजेस कहीं ना कहीं एडमिशन खुले होंगे तो वहां से आप एडमिशन ले सकते हो प्रोस की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा एक्सपोजर अच्छा मिलेगा कॉन्स की बात करें फीस थोड़ी हाई जा सकती है बीस से पच्चीस लाख आपको शेल आउट करने पड़ेंगे इस पॉइंट शारदा एमिटी की बात करें तो थोड़ा कम चौदह पंद्रह सोलह लाख में हमारी बात बनेगी जो कि हाई ही है और प्लेसमेंट अश्योरेंस उतनी ज्यादा हाई देखने को नहीं मिलती है बट ये भी एक एंगल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो अगर बी करनी ही है और सीट चाहिए ही तो अब फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो वो होने वाला है हमारा बी या बी की डिग्री भी हम परस्यू कर सकते हैं इसका क्या मतलब है हम हल्का सा करियर स्विच ले लें कि बी की फीस अगर अफोर्ड करने के पैसे नहीं है दस बारह लाख रुपये में भी दिक्कत आने लग रही है तो बी एस की तीन साल की डिग्री बेटा आप सस्ते में कर सकते हो उसके बाद बच्चे जनरली एम या एम की साइड चले जाते हैं तब तक तो थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाती है बी के बाद तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है और उतना लोड नहीं पड़ता फैमिली पे हमारी फाइनेंशियली तो बी एस की डिग्री इसमें आप पढ़ रहे होंगे या तो आप ब्रांडेड कॉलेज की तरफ जा सकते हो जिनकी डिग्रीज थोड़ी सी महंगी होंगी बी एस सी में एडमिशन खुले रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है हर कॉलेज को जरूरत है बी एस सी के बच्चों की और वरना आप अगर अपने लोकल स्टेट कॉलेज से आपके आसपास का कोई कॉलेज है आपके पेरेंट्स की जान पहचान है वहां पर भी आप एक बार बात करके आ सकते हो अगर बी एस सी की डिग्री वो आपको प्रोवाइड कर सके और उसके बाद आप वहां पर के अपनी प्लेसमेंट्स की गूगल एमेजोन माइक्रोसॉफ्ट जो भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आप निकालना चाहते हो उनकी तैयारी कर सकते हो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल है कंपनी टू बीटेक आपको झूठी पिक्चर परोसने पर एक ऑप्शन दो तो तो वाला दोस्त है वो से भी करके, अगर का लेगा, तो आप उस वक्त साढ़े चार लाख रुपए के ही आदमी बन रहे होंगे अगर ये चीज आपको मंजूर है तो आप बी एस सी बीसीए की तरफ भी जा सकते हो फाइनल पॉइंट आपको बताऊं तो वो हमारा डायरेक्ट एडमिशन वाली अप्रोच बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है चाहे तो हम ए की बात करें हम काइट की बात करें अजय कुमार गर्ग की बात करें जे नोएडा की बात करें इन सारे कॉलेज की तरफ आप देख सकते हो वरना अगर आप बैंगलोर वाली साइड जाना चाहते हो कि भैया सिलिकॉन वैली में पढ़ना है थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाए नोएडा ग्रेटर नोएडा में के आएगी तो यार बैंगलोर के अंदर भी काफी सारे एडमिशन काउंसिलर हैं जिनके साथ यू कैन गेट इन टच एंड ट्राई टू गेट अ सीट फॉर योर तो यही यहाँ पे हमारी दो अप्रोचेज रहती है हाई फीस और लो प्लेसमेंट वाला एक फैक्टर है जिसमें आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा दूसरा फैक्टर है कि डायरेक्ट एडमिशन की फीस मतलब जो डोनेशन आप दे रहे होंगे वो पांच से दस लाख रुपए के बीच कहीं ना कहीं रहने वाली है इसके ऊपर कॉलेज की फीस और इसके ऊपर हॉस्टल की फीस तो वो थोड़ा सा बर्डन है तो अफोर्ड कर सकते हो तो ही ऑप्शन होने वाला है पीयर ग्रुप उतना अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली बच्चे डोनेशन देके आने लग रहे हैं और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टेक ब्रांचेस ये वाली एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इस वक्त अगस्त शुरू होने वाला एडमिशन सीजन क्लोजिंग पे है, तो कहीं ना कहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया अब आई हो जाएगा नई हो जाएगा जो सेंट्रलाइज प्रोसीजर्स थे वहाँ सीट्स नहीं मिली है रैंक थोड़ी सी पीछे रह गई है तो यार ये वाला एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पर ये मैं आपको शोर कर सकता हूँ कि जो आपका कॉलेज है जो आपके कॉलेज का टैग है वो तुम्हारी डेस्टिनी वो तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी क्या करियर आउटकम होगी उसको बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है और इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लोगे फालतू की बीटी लेना छोड़ो फालतू की एंगजाइटी में जाना छोड़ दो कि मेरा दोस्त तो ऐसा था मेरे से नीचे था अब आगे निकल गया ये सब चीजें काम नहीं आएंगी जो काम आने वाला है वो आने वाला है तुम्हारे आगे की जर्नी और अगले चार साल तुम अपने लिए कैसे इन्विजन करते हो और कितनी ज्यादा मेहनत कितनी ज्यादा घिसाई और कितनी ज्यादा रगड़ाई करने के लिए तुम तैयार हो यह चीज अगर तुम्हें समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो आई एक्सेप्ट द चैलेंज कि भाई मैं जहां भी जाऊंगा जैसा भी जाऊंगा बेस्ट करूंगा अपने इंस्टीट्यूशन में अगर ये चीज तुम्हें समझ आती है तो इिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू गो इन यू आर गोइंग टू डू वेल एंड दैट इज माई गारंटी आई होप ये चार पांच पॉइंटर्स अच्छे लगे होंगे कॉमेंट सेक्शन में कोई डाउट है और ऑप्शन एक्सप्लोर करने मेरे को बता दो मैं हेल्प करूंगा एक मेंटर छोड़ दूंगा कॉमेंट सेक्शन में तुम्हारे डाउट्स आंसर कर देगा और मैं तुमसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में मिल रहा चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर देना एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम योर याश भैया